दोस्त गोकू एक पॉपुलर फाइटर है, लेकिन इसकी यूनिक बॉडी के बारे में कुछ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे गोकू के बॉडी के 10 ऐसे क्रेजी फैक्ट्स के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैंस ही जानते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों आपको ये पता होगा कि फ्रेंचाइजी का स्टोरी सन गोकू को लेके ही रिवॉल्व होते रहता है। गोकू के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा फाइटर साबित हो चुका है। गोकू बहुत सारे फैंस का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, और अगर हम अभी का देखते हैं तो दोस्तों गोकू बहुत सारे एबिलिटी और पावर को अनलॉक कर चुका है। इसके पावर्स और एबिलिटी के बारे में आप सबको पता ही होगा, और इसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना। लेकिन दोस्तों क्या आप गोकू की यूनिक बॉडी के बारे में कुछ क्रेजी फैक्ट्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गोकू के बॉडी के कुछ क्रेजी फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैंस ही जानते हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गोकू के पास सुपर ह्यूमन लेवल का हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल होता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के दौरान गोकू के बारे में दोस्तों ये हमको पता चला था कि उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल का हियरिंग और खतरनाक सेंस ऑफ स्मेल है। ये एबिलिटी शो में गोकू के लिए बहुत ही यूजफुल रहा है। जब गोकू यंग था तब अपना स्मेल ऑफ सेंस को यूज करके पीपल्स और फूड को खोज लेता था, यानी दोस्तों लोगों और खाना को खोज लेता था। बाद में फिर सीरीज में ये देखने को मिला कि गोकू अपने सुपर ह्यूमन हियरिंग यूज करके आँख को बंद करके अपने एनिमीज के साथ भी बैटल कर सकता है। ओवरऑल इसके स्मेल करने का सेंस और सुनने का शक्ति, ये दोनों ही सुपर ह्यूमन लेवल का होता है। अब इस 9 पे आता है गोकू का माइंड। नया स्किल को सिर्फ एक बार देख के उसको सीख सकता है। दोस्तों कोई कोई लोगों का फोटोग्राफी जैसा मेमोरी होता है, लेकिन गोकू का मेमोरी एकदम मिमिक्री वाला है, यानी दोस्तों फटक से सीख जाने वाला दिमाग। यहाँ पर दोस्तों जिनका फोटोग्राफी वाला मेमोरी रहता है वो देख के बस याद रख सकते हैं, लेकिन गोकू अपना मिमिक्री यूज करके सिर्फ याद ही नहीं रख सकता, बल्कि दोस्तों पावरफुल फाइटिंग टेक्निक को एक बार में ही देख के सीख सकता है। नॉर्मल पर्सन जितना स्पीड में ये चीज को सीख सकते हैं, उससे भी ज्यादा स्पीड से गोकू मिमिक्री वाला एबिलिटी को यूज करके सीख सकता है। सीरीज के दौरान दोस्तों मिमिक्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहा है। इसी के वजह से दोस्तों गोकू अपने टीचर से बहुत ही जल्दी कोई भी टेक्निक सीख लेता है, और तो दोस्तों ये टेक्निक को यूज करके गोकू अपने एनिमीज को भी बहुत ही जल्दी जान लेता है। और इस 8 पे आता है गोकू का लॉन्ग कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बहुत सारे फैंस यही मानते हैं कि सेंस बाहर के स्पेस में सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनको फिर भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। लेकिन गोकू का अच्छा लॉन्ग कैपेसिटी होने की वजह से वो आउटर स्पेस पे भी सर्वाइव कर सकता है। हम बहुत सारे सिचुएशन में देख चुके हैं कि गोकू बिना ऑक्सीजन के बिना खराब सिचुएशन के दौरान फंक्शन कर पाता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक नॉर्मल पर्सन ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट और 22 सेकंड तक ही अंडर वाटर में रह सकता है, लेकिन दोस्तों गोकू पूरा बैटल को ही अंडर वाटर कर सकता है, और वो एकदम ठीक रहता है। अंडर वाटर बैटल को सबसे पहले अंडर वाटर बैटल के मैंगा में लाया गया था। इसका एक्स्ट्रा लॉन्ग कैपेसिटी होना इसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और 7 पे आता है गोकू टेलीपैथी को भी यूज कर सकता है। दोस्तों गोकू के पास ऐसे बहुत सारे एबिलिटी हैं जो कि इसको एक सुपर हीरो बनाते हैं, और उसी एबिलिटी में टेलीपैथी भी एक एबिलिटी है। गोकू का इतना पावर है कि वो लोगों को बिना पता चले उनके माइंड को रीड कर सकता है, और उनको टेलीपैथी के जरिए कमांड भी कर सकता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो गोकू टेलीपैथी को यूज करके ग्रेट इव गोहन को ऑर्डर किया था कि वो वेजिटा से बैटल करे। यहाँ पर गोकू क्रिलिन का माइंड को भी रीड किया था, और फिर कई सारे सिचुएशन में टेलीपैथी के जरिए उससे बात भी किया था। एपिसोड 6 पे आता है गोकू का एज बहुत ही स्लो बढ़ता है। दोस्तों अभी के टाइम में गोकू का एग्जैक्ट एज बताना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर फैंस ये एस्टिमेट करते हैं कि ड्रैगन बॉल जी के एंड में इसका एज 48 का था, लेकिन यहाँ पर एकदम कंफर्म आंसर खोज पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए तो सीएंस का एज नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही स्लो ग्रो होता है, यानी कि दोस्तों गोकू का एज बहुत ही स्लोली बढ़ता है। पर दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी के दौरान सीएंस के साथ ऐसा क्यों होता है, ये चीज वेजिटा एक्सप्लेन किया था। सीएंस एक वॉरियर रेस से बिलोंग करते हैं, और उनका एज इसलिए स्लो बढ़ता है क्योंकि उनका बॉडी जवान होके रहे, और ये जवान इसलिए रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों वो अपने फाइट को कंटिन्यू कर सके अपने बैटल्स में। लास्टली गोकू का एजिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। अभी 5 पे आता है गोकू का बॉडी हील और रीजनरेट दोनों हो सकता है। दोस्तों भले लगे कि सीएंस इमॉर्टल की तरह होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उनका डेथ होता है। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू खुद को हील और फिर रीजनरेट भी कर सकता है। गोकू बस खुद को ही हील नहीं कर सकता, बल्कि दोस्तों वो दूसरों को भी हील कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीज गोकू अपने की एनर्जी को यूज करके करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो जब फ्रीजा गोकू से लड़ने के बाद पूरी तरीके से डाउन हो गया था, तो दोस्तों गोकू फ्रीजा को अपना की एनर्जी ट्रांसफर किया था,
जिसके वजह से दोस्तों फ्रीजा वापस अपने लाइफ में आ गया था। इसके अलावा ड्रैगन बॉल के कुछ मूवीज में कई सारे एनिमल्स को भी वो रिवाइव कर चुका है। और दोस्तों गो के पास इतना पावर है कि वो चीजों को बैक टू लाइफ में ला सकता है। अब इस फोर पे आता है गो का खाना। दोस्तों हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि गो का खाना थोड़ा कॉमेडी की तरह दिखता है। गोकू और दूसरे सीएंस के लिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खाने के प्रति सीएंस का लगाव बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपको पता नहीं तो दोस्तों हमको बता दे कि गो का लाइफ साइकिल जैसा है उसके हिसाब से गोकू एक दिन में कई 100 कैलोरीज को बर्न कर देता है। इसी वजह से गोकू को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है, जिससे कि दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रांग रहे और हेल्दी रहे, जैसे कि दोस्तों डीसी के फ्लास्क के केस में आप देख सकते हैं। लास्ट दोस्तों गोकू बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाता है और ये चीज देख के आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। अभी दोस्तों थ्री पे आता है गोकू का। दो बार डेथ हो चुका है और उसको फिर से रिजरेक्ट भी किया जा चुका है। दोस्तों भले गोकू एक ग्रेट वॉरियर है लेकिन उसका भी दो बार डेथ हो चुका है। पहली बार उसका डेथ हुआ था जब वो अपना भाई रेडिट से बैटल कर रहा था। उस दौरान गोकू को ये पता चल गया था कि वो रेडिट को ओवर पावर नहीं कर सकता, इसके वजह से वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था। कुछ टाइम के बाद दोस्तों गोकू आफ्टर लाइफ में किंग काई के प्लैनेट में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बाद में उसके दोस्त ड्रैगन बॉल के जरिए गोकू को फिर से वापस ला लिए थे। इसके बाद दोस्तों गोकू का डेथ और एक बार हुआ था जब वो सेल को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोका था, लेकिन दोस्तों फिर 7 साल बाद गोकू को रिवाइव कर दिया गया था। अब इस टू पे आता है गोकू का हार्ट पूरी तरीके से प्योर है। गोकू एक बहुत ही अच्छा गाय है, यानी बहुत ही अच्छा आदमी है। ज्यादातर लोग बोल देते हैं कि गोकू नाइस गाय है, लेकिन दोस्तों ये चीज कोई नहीं कहता कि वो एक प्योर हार्ट वाला पर्सन है। यहाँ पर दोस्तों हॉट कप रेट का मतलब ये है कि कोई 100% गुड है या कोई 100% ईविल है, पर दोस्तों शुक्र है गोकू का हार्ट पूरी तरीके से 100% प्योर है। अपने प्योर हार्ट की वजह से गोकू जीजी से अपने मैरिज से पहले कुछ भी रोमांटिक वाला चीज नहीं किया था। भले दोस्तों यहाँ पर गोकू प्योर हार्ट सीएन है, लेकिन कोई कोई एनिमी को मार भी डालता है, क्योंकि दोस्तों एनिमी ही कुछ ऐसा खतरनाक हो जाता है जिसके वजह से दोस्तों गोकू को मारना पड़ता है। और गोकू ये इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोकू एक बहुत ही बड़ा टोरमा से सफर कर चुका है। दोस्तों एनिमी में ये बताया जा चुका है कि सीएंस वो रेस है जिनको फाइटिंग और बैटल करना बहुत ही पसंद आता है। कुछ सीएंस तो अपने गुस्से को भी बहुत ही कंट्रोल करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा गोकू, लेकिन बाकी दूसरे सीएंस को कोई भी लिमिट पता नहीं रहता है और अपने मजे के लिए वो दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। खैर अगर हम गोकू का देखते हैं तो जब वो छोटा था तब वो एक बहुत ही बड़ा हेड ट्रॉमा से गुजरा था। हाँ, उसके सर में एक गहरा चोट लगा था जिसके वजह से उसका मेमोरी तक चला गया था, और साथ में बच्चे टाइम में उसका जो वाइब्रेशन वाला नेचर था वो भी चला गया था। इसके बाद दोस्तों गोकू थोड़ा खुश रहने लगा और फिर अपने ग्रैंडफादर से जल्दी मार्शल आर्ट भी सीख लिया था। तो दोस्तों यही था गोकू के बॉडी के टॉप 10 ऐसे क्रेजी फैक्ट्स के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैंस ही जानते हैं। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।